हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ड्राइंग 78। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे पत्तियों सहित आम का स्मृति चित्रण करने का बहुत ही आसान तरीका। सबसे पहले हम एक दीर्घ वृत्त बना लेते हैं। अब देखिए कैसे इसको हम आम के रूप में बदल रहे हैं। ऊपर एक डंठल लगाते हैं, इस रेखा के ऊपर हम रेखा चला रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इस रेखा से दूर होते जा रहे हैं और एक कंडीशन ऐसी आएगी रेखा से हम बहुत दूर हो चुके होंगे। धीरे धीरे रेखा से दूर होते जा रहे हैं और देखिए यहाँ पर हम बहुत दूर आ गए। अब इसी रेखा में पुनः मिला देंगे। इस प्रकार यहाँ देखिए एक नोक बन गई है, इसको इरेज कर देंगे तथा इस रेखा को भी इरेज कर देंगे। इस नोक को हमने गोल कर लिया और शेष रेखाओं को इरेज कर दिया। इस प्रकार देखिए आम बन गया है। अब हम पत्तियां बनाएंगे, एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ। एक पत्ती यहां पर जोड़ेंगे, एक पत्ती यहां पर। इसके लिए हम हल्का हल्का सा डंठल को मिटा देते हैं। पत्तियां इसकी लंबी होती हैं तो हम लंबी ही बनाएंगे। धीरे धीरे रेखा देखिए इसी रेखा में मिल गई। इसी प्रकार एक पत्ती इस तरफ बना देंगे। धीरे धीरे ये रेखा उसी रेखा में जाकर मिल जाती है। अब देखिए कैसे पत्ती बनाएंगे। इतना तो डंठल छोड़ देते हैं, उसके बाद यहाँ से देखिए पत्ती को हम चौड़ी करते हैं पहले, फिर धीरे धीरे टेढ़ी मेढ़ी करते हुए इसी नोक में लाकर मिला देते हैं। ऐसे ही इधर एक डंठल बनाते हैं। चूंकि यह पत्ती आम के नीचे है तो यहाँ नहीं दिखाई दे रही है, पुनः इधर दिखने लगती है। एक पत्ती इस तरफ बनाते हैं, इतना डंठल इसमें भी छोड़ देंगे। ये देखिए पत्ती ऊपर की ओर मुड़ गई, इसलिए यह रेखा नहीं दिखाई देगी, इसको इरेज कर देंगे। इस प्रकार देखिए इस रेखा को हमने मिटा दिया है। अब पत्ती का निचला हिस्सा कैसे दिखाई दे रहा है। इस प्रकार देखिए दो पत्तियों वाला आम का चित्र बन गया है। अब इस चित्र में हम छाया प्रकाश दिखाएंगे। इसके लिए पेंसिल को ऐसे लिटा कर पकड़ेंगे और किनारे पर पेंसिल की नोक करके थोड़ा दबा कर चलाएंगे। ये देखिए किनारे पर ज़्यादा काला हो रहा है और जैसे जैसे हम बीच की ओर आएंगे कालापन कुछ कम करते जाएंगे। उसके लिए पेंसिल का दबाव कम कर देते हैं। पहले किनारे ज़्यादा दबाया, जैसे जैसे बीच की ओर आ रहे हैं दबाव कम करते जा रहे हैं। देखिए कम और भी कम। इसी प्रकार पूरे चित्र में छाया दिखा लेते हैं। इस प्रकार देखिए किनारे पर ज़्यादा काला, बीच की ओर कम काला करते हैं, अतः बीच में लाइट पड़ रही है, किनारे की ओर छाया पड़ रही है। इसी प्रकार पत्तियों में भी छाया प्रकाश दिखाते हैं। देखिए इस हिस्से को हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे क्योंकि इस हिस्से की छाया इस पर पड़ रही है। इसको कम काला करते हैं। इस हिस्से को भी हल्का सा ज्यादा काला कर देते हैं। अब देखिए इस पत्ती में सिराएं कैसे बनाएंगे हम। इधर बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, और भी छोटी और छोटी, इसी क्रम में देखिए छोटी करते गए। ये वाली नहीं पूरी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पत्ती पलटी हुई है, अतः ऐसे दिखाई पड़ेंगी नीचे की ओर से। इसी तरह इस पत्ती में भी पहले तो इसमें छाया दिखाएंगे, उसके बाद सिराएं बना लेते हैं। देखिए इसमें भी छाया दिखा लिया और कैसे देखिए इसकी सिराएं बना रहे हैं।
उससे छोटी और भी छोटी, उसी क्रम में और भी छोटी, बड़ी छोटी और छोटी, देखिए छोटी करते जा रहे हैं। इस प्रकार देखिए दो पत्तियों सहित आम बन गया है। हल्की सी छाया देखिए डंठल में भी दिखा देंगे। इस प्रकार बच्चों हमारा दो पत्तियों सहित आम का चित्र बनकर तैयार हो गया। एक बार इसके किनारों को पुनः काला कर देंगे और हमारा चित्र आकर्षक दिखाई देने लगेगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।